गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हॉर्मोन्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्रियाओं को समझने से पहले ज़रूरी यह है कि हम समझें कि ग्लैंड क्या होता है, क्योंकि ग्लैंड के संदर्भ में हम दो तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वैसी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन देती हैं, और बाकी की ग्रंथियाँ जो हैं जिन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथियाँ कह रहे हैं, वे ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वे सेक्रेशन जरूर देती हैं लेकिन हार्मोन नहीं देती। ये डिफरेंसेस क्या हैं दोनों प्रकार के ग्लैंड में, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्लैंड में, या ग्लैंड हम किसे कहें, ये जानना ज़रूरी है। तब हम यह देखेंगे कि हमारे मनुष्य के शरीर में कितने ये ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और प्रत्येक ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की लिस्ट मात्रा, बहुत अल्प मात्रा ही शरीर के संपूर्ण मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है। तो जितने भी ग्लैंड्स हमारे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन्हें वन बाय वन आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले यह कि ग्लैंड किसे कहेंगे। ओके, नाउ कम टू ग्लैंड। ग्लैंड या ग्रंथि ये एक कोशिका, उत्तक, अंग, जो भी कुछ स्रावित करे, सेक्रेट्स, कुछ भी जो स्रावित करता है उसे हम ग्लैंड कह सकते हैं। यानी कि अगर कोशिकाओं का एक समूह जो कुछ भी स्रावित कर रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कि मुंह में, बकल कैविटी में सलाइवा आता है, लार जो आता है, तो हमारी लार की ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है और हमारे मुख गुहा में वो सलाइवा आ रहा है। ओके, तो वहां पे हम कहें कि सलाइवरी ग्लैंड, हम ग्लैंड इसलिए कहें। अब वेदर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम यह देख रहे हैं कि उसे हम एक ग्लैंड कह रहे हैं। शरीर में पसीना निकलता है तो पसीना जहां बनता है हम उसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं। ओके, नाउ कम टू ग्लैंड के प्रकार। तो ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड दो प्रकार के होंगे, जैसा कि हमने अभी तुरंत कहा था, इन्हें हम एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड कहें। ओके, डिफरेंस दोनों का सबसे बड़ा यह है जो इनके शब्द में ही छुपा हुआ है, एक्सो एंड इंडो, यानी कि यह अपने बाहर स्रावित करेगा। ओके, इंडो भीतर स्रावित करेगा। ओके, इसके स्राव, सेक्रेटेड जो पदार्थ हैं वे भीतर ही स्रावित हो जाएंगे। व्हाई, ऐसा क्यों होता है कि इसके स्राव बाहर आएंगे और इसके स्राव बाहर नहीं आएंगे? कहने का अर्थ यह है कि ये वे ग्लैंड हैं जिनमें नलिकाएं होती हैं, डक्ट। ग्लैंड्स विथ डक्ट आर एक्सोक्राइन, वेरेज डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन डक्टलेस ग्लैंड्स आर इंडोक्राइन इन नेचर। नलिका विहीन, क्लियर। अब चूंकि इस ग्लैंड में, बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं हैं, तो यह अपना स्राव जो है उन नलिकाओं के थ्रू भेजेगा। इसके अपने पैसेज हुए, इसमें नलिका है ही नहीं, तो क्या होगा, इसके स्राव जो हैं उसके भीतर ही स्रावित हो जाएंगे। और एकमात्र डिफरेंस, अगर अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों के बीच बेसिक रूप से कुछ कहना हो आपको अंतर में, तो सिर्फ एक लाइन कहिए, वो यह है कि ग्लैंड विथ डक्ट आर द एक्सोक्राइन इन नेचर, वेरेज डक्टलेस ग्लैंड्स आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये मान लीजिए कि लीवर है, लीवर से ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर से यहाँ निकला और यहाँ पे ये स्टोमक है, स्टोमक के बाद ये ड्यूओडेनम है, ड्यूओडेनम में आकर ये खुला, तो ये जो इसमें बाइल जो बना लीवर में, या लीवर है,
लीवर में जो बाइल बना वह यहाँ स्टोर हुआ और उसके बाद यहाँ से निकलकर ये यहाँ आया। डक्ट है या नहीं, बाइल डक्ट है ना, इसलिए यह क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा। यह बहिस्रावी ग्रंथि कही जाएगी। ओके, तो अब आइए कि हमारे शरीर में बहिस्रावी ग्रंथियों के ढेर सारे उदाहरण हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण अगर हम कहें तो अभी हमने कहा था लीवर है, ठीक है, आपके पसीने की ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है आपके शरीर में, ऐसे ग्लैंड में पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक डक्ट होता है इसमें, पैनक्रियाज है, अग्न्याशय, अग्न्याशय, ओके, स्वेद ग्रंथि, यकृत, ये तमाम ग्रंथियां जो हैं वे इसके उदाहरण हैं। फिर लार की ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, लार की ग्रंथि, आप देखिएगा ये तमाम ग्रंथियां कुछ ना कुछ दे रही हैं। लीवर क्या दे रहा है, बाइल दे रहा है, ठीक है, पित्त बाइल जो है ये लीवर से निकल रहा है। श्वेत ग्लैंड, श्वेत दे रहा है यानी पसीना दे रहा है। पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस दे रहा है, जो एंजाइम मूलतः कह दें कि एंजाइम्स। सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा दे रहा है यानी कि लार ग्रंथि है या लार दे रहा है, सभी से कुछ ना कुछ निकल रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी निकल रहा है ये तमाम चीज़ें हार्मोन नहीं है, ये तमाम चीज़ें हार्मोन नहीं हैं, हार्मोन केवल एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा। ओके, ग्रंथियां अगर एक्सोक्राइन हैं तो वे कुछ भी दे सकती हैं, उनके उत्पाद खास हो सकते हैं, श्राव जो उनके हैं वे विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन वे हार्मोन नहीं हैं। अगर वे हार्मोन हैं तो ये श्योर मानिए कि वे एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकल रहे हैं। ओके, अब हम लोग आ जाएं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में कितने हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड कौन कौन से हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गन हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी हम इसमें शामिल करते चले जाएंगे। जैसे कि आप देखिए सबसे पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी थायराइड ग्लैंड, तीसरी ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड, ओके, चौथी ग्रंथि आइलेट ऑफ लंगरहंस, पांचवें में हम रख लें हाइपोथैलेमस, छठे में हम रख लें गोनाड, मेल गोनाड, टेस्टिस, फीमेल गोनाड, ओवरी, सातवें में हम रख लें पाराथायरॉइड को, नेक्स्ट हम रख लें थाइमस को, ओके, इसके अलावा हमारे जो अदर हैं जिससे कि हार्मोन निकलता है इन ग्लैंड्स के अलावा, उसमें स्टोमक से भी ग्लैंड इससे भी हार्मोन निकलता है। इसके अलावा प्लासेंटा यह यूटेरस का वह हिस्सा जहाँ पर हम जन्म के पहले माँ के शरीर से जुड़े हुए थे उसे हम प्लासेंटा कहते हैं, तो प्लासेंटा जो है यह भी हार्मोन सेक्रेट करता है। ओके, तो वन बाय वन हम प्रत्येक ग्रंथि को देखते चले जाएंगे। हाँ, ये चीज जो हमने कहा कि इसका नाम एड्रिनल या सुप्रारिनल ग्लैंड है, क्लियर, दो नाम इसके होने के कारण हैं। एक तो यह रीनल शब्द है,
रीनल का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में, यह आया था कि हृदय की दीवार को रक्त पहुंचाता है, ठीक है। पहला रीनल आर्टरी, दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, तीसरा कैरोटिड, चौथा आपका क्वेश्चन जो था वो इसको लेकर नहीं था, ठीक है, वो था आपका हृदय की जगह, ये जो प्रश्न था वह था फेफड़े, फुफ्स यानी कि लंग को रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो रीनल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड, हिपेटिक वेन। ओके, इसका जवाब दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सवाल में आपको यह देखना था कि वेन जो है वो हृदय से, जो हमारा हृदय है इस हृदय में रक्त को लाता है, यह वेन है, और जो हृदय से दूर रक्त को ले जाता है वह आर्टरी है। तो क्लियर है ना बाबू कि यह नहीं होता? शुद्ध अशुद्ध में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये जा रहा हूं कि कौन रक्त को ढोकर हृदय तक लाता है, कौन हृदय से दूर ले जाता है। तो जो हृदय तक लाता है वह वेन है, तो यहाँ पे हिपेटिक वेन था, तो ये तो गलत है, क्योंकि वेन्स ये यहाँ एक सवाल में हार्ट से निकलकर लंग तक ब्लड जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आर्टरी होगी। अब इसमें कौन सी आर्टरी होगी? तो हमारा आंसर पल्मोनरी होगा। ओके, इस पर मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए, दो चार एक मिनट के लिए डाइवर्ट जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि आप इस शब्द को समझ सकें। तात्पर्य हमारा यह था, मैं इस प्रश्न को मिटा रहा हूँ लेकिन इन शब्दों को रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हिपेटिक मीन्स क्या हुआ? रिलेटेड टू लीवर, हेपेटाइटिस बी लीवर की बीमारी है। ओके, हिपेटिक। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स। रीनल रिलेटेड टू किडनी, यहीं पे मैं कह दूं। क्यूटेनियस रिलेटेड टू स्किन। शब्द से हम क्लियर हैं तो हम जवाब लिख सकते हैं या पकड़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। एनीवे, हमने कहा इसे सुप्रा रीनल या एड्रिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो यह किडनी है, किडनी के ऊपरी हिस्से पर यह अवस्थित है। ओके, चूंकि ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए एड्रिनल किडनी के ऊपर स्थित है, इसलिए इसका नाम सुप्रारीनल। ओके, नाउ कम टू पिट्यूटरी। फर्स्ट वन, पिट्यूटरी ग्लैंड से हम इसे शुरू करेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है यह कहाँ स्थित है? क्लियर, तो यह ब्रेन में डायनसेफेलॉन, ब्रेन का पार्ट है, में स्थित है। कहाँ? तो सेला टर्शिका कैविटी में, एक हड्डी की कैविटी है वहाँ पर यह स्थित है। ओके, इसके पूरा का पूरा यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम इसे दो हिस्से में बांटते हैं। इसका एक हिस्सा जो होता है वह कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस।
ओके, या दो हिस्से में बटा हुआ है। ऐसे ये एम्ब्रियोलॉजिकली है, लेकिन तारे के आधार पर हम इसे तीन लोब में बांटेंगे और उस तीन लोब का हम नाम देंगे एंटेरियर लोब, एंटेरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मिड लोब, मिडिल लोब। तीन पालियां हैं इसकी, तीनों पालियों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। ओके, तो आ जाए हार्मोन्स फ्रॉम एंटेरियर लोब और एंड मिडल लोब, इन दोनों से। तो एंटेरियर लोब से जो पहला निकलता है हार्मोन, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, पहला हार्मोन आएगा हमारा, वो कौन सा आएगा? जीएच, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, इसी का नाम है। दूसरा हार्मोन एफएसएच, फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन। तीसरा जो होगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा जो है वह है आपका एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। ओके, अभी हमने एड्रिनल ग्लैंड की चर्चा की थी। एड्रिनल में ये एड्रिनो कॉर्टिको, तात्पर्य जब एड्रिनल में आएंगे तो देखेंगे कि उसके दो हिस्से हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो यह सिर्फ उसके कॉर्टेक्स पर ही एक्शन लेगा, यानी कि स्टिमुलेट जो करेगा यह सिर्फ कॉर्टेक्स को ही करेगा। ओके, नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारा आपका लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन। नेक्स्ट एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तमाम हार्मोन जो हैं ये एड्रिनल ग्लैंड के अग्रभाग, और इसमें एमएसएच जो है ये मध्य भाग यानी कि मिड लोब से ये स्रावित होता है। आप गौर करें इसके जितने भी हार्मोन्स थे उसमें एक वर्ड हमने ट्रॉफिक शब्द यूज किया है, ठीक है। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या हैं? तो ट्रॉफिक हार्मोन आर सच हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स, जो दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, दूसरे ग्लैंड के कार्यों को प्रभावित करे, हम उसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ट्रॉफिक हार्मोन कह रहे थे। और यही वजह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, वह है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, क्यों? क्योंकि दूसरे जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन्हें कंट्रोल करता है पिट्यूटरी का स्राव। जैसे टीएसएच, टीएसएच थायराइड को कंट्रोल करता है, एसीटीएच, ये एसीटीएच जो है ये कंट्रोल कर रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। फिर उसी तरह से हमारा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह फॉलिकल के डेवलपमेंट को, गोनेडोट्रॉफिक जो कार्य होते हैं उन्हें, यह यानी कि एफएसएच आप कहिए कि ओवरी में जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह बनेंगे, ठीक है, ओवरी का डेवलपमेंट होगा, उन सबों को ये कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो वन बाय वन हम यह देखें कि क्या होता है। ये जीएच जो है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन यह हमारे शरीर में लंबाई को, कायिक विकास जिसे कहते हैं सोमेटिक डेवलपमेंट, कायिक विकास को यह नियंत्रित करता है। यानी कि सीधे सीधे अगर कहें तो हम ये कहेंगे कि हमारी लंबाई, शारीरिक लंबाई जो होती है वो जीएच को लेकर होती है। लेकिन एक बात कहूँ कि हम एक निश्चित आयु तक ही लंबाई में बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा लंबाई में बढ़ना बंद हो जाता है, ये असीमित नहीं है।
तो कहने का अर्थ यह कि हमारे शरीर में लॉन्ग बोन्स में ग्रोथ सेंटर होते हैं। ये ग्रोथ सेंटर्स जब तक खुले हैं तभी तक इसका स्राव होता है, उसके बाद इसका स्राव अपने आप बंद हो जाता है। एडल्ट में यह स्रावित नहीं होता है। यह जो हमारा वृद्धि समय है, जो हमारा ग्रोइंग फेज है, तब यह स्रावित होता है और हमारे काय के विकास को प्रभावित करता है या नियंत्रित करता है। क्लियर? तो इसकी कमी से अगर किसी में जो एडिक्वेट अमाउंट है उतना जीएच नहीं आया या जीएच की मात्रा अधिक हो गई तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं ड्वार्फ हो जाएगा बच्चा, ड्वार्फिज्म, उसमें बौनापन आ जाएगा, ड्वार्फिज्म। ठीक, और अगर उसका अधिक सेक्रेशन हो गया, जितनी जरूरत है ग्रोथ के लिए उससे ज्यादा ये स्रावित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? बच्चा राक्षसी लंबाई, अत्यधिक लंबाई में बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपरसेक्रेशन। हाइपर मतलब जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा अगर यह स्रावित हुआ तो गैरेंटिज्म होगा, यानी कि असीमित लंबाई थोड़ी अधिक हो जाएगी। और अगर हाइपो का मतलब कम और इसका मतलब हुआ कि ज़रूरत से अधिक, तो कम हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अभी हमने कहा कि एडल्ट में यह स्रावित नहीं होता है। अब फर्ज कीजिए कि किसी एडल्ट में जीएच का स्राव हो गया तो क्या होगा? तो लॉन्ग बोन जितने हैं उसके ग्रोथ सेंटर बंद हो चुके हैं। क्लियर? तो आप ऐसे समझें, एक छड़ को टाइटली आपने बांध दिया, इस रॉड को हिट दीजिएगा तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की थ्योरी से ये छड़ जो है, ये रॉड जो है, इसकी लंबाई बढ़ेगी और यहाँ से आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे रहे हैं। जैसे कि रेलवे में ट्रैक में जो गैप छोड़ते हैं, अगर हमने नहीं दिया तो ये क्या करेगा? अपनी बढ़ी हुई लंबाई को इस तरह से एडजस्ट करेगा टेढ़ा होकर। तो यही चीज़ें होंगी। अगर एडल्ट में इसका स्राव हो गया तो हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं उसमें ग्रोथ सेंटर बंद हो चुका है, तो लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, तो ये जो शरीर की लंबी हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और लंबाई को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगी। तो जब ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो इस अवस्था को हम कहते हैं एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली एक अवस्था है, बीमारी नहीं है। ठीक है, यह एक अवस्था है, यह एक कह सकते हैं आपकी लक्षण जो डेवलप हो गया वो इसलिए हुआ क्योंकि ग्रोथ सेंटर बंद होने के बाद, एडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन हुआ है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज TSH। TSH जो है यह स्टिमुलेट्स थायराइड। क्लियर? थायराइड खुद एक ग्रंथि है जो इस जगह स्थित है, तो थायराइड के ग्रोथ को यह कंट्रोल करेगा। ACTH दैट विल कंट्रोल आवर एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ओके, FSH हमने कहा यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह ओवरी के विकास को नियंत्रित करता है और ओवरी के भीतर होता है ग्रैफियन फॉलिकल। उस ग्रैफियन फॉलिकल में ही ओवम या एग, अंडाणु, ये अंडाणु विकसित होते हैं। इनका विकास जो है, डेवलपमेंट ग्रैफियन फॉलिकल का, वो FSH नियंत्रित करता है। ओके, फिर आया हमारा लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। तो लैक्टोट्रॉफिक, लैक्टोजेन, लैक्टोमीटर, क्लियर है? मिल्क। ओके, तो यह मिल्क के प्रोडक्शन, सेक्रेशन को नहीं, उसके लिए अलग हार्मोन है। ठीक है,
प्रोडक्शन को मेमरी ग्लैंड में, जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा उसे यह मेमरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ओके, फिर हमने कहा था ये आपका लिटिनाइजिंग हार्मोन, लिटिनाइजिंग हार्मोन, तो यह हमारे जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यह कंट्रोल करता है। ओके, एमएसएच जो हमारा था वह एमएसएच यह मिलेनोसाइट को कंट्रोल करता है। तात्पर्य यह कि यह हमारे मिलेनिन मिलेनिन मिलेनोसाइट्स, ये सेल्स हैं जिसमें मिलेनिन बनता है और मिलेनिन ही स्किन का कलर कंट्रोल करेगा। यानी कि मिलेनोसाइट्स एमएसएच जो है दैट कंट्रोल्स स्किन कलर। ओके, डार्कनेस होगा या नहीं, कितना डार्क होगा स्किन, गोरा कितना होगा या काला होगा, ये मिलेनोसाइट से तय होता है। ओके, तो ये तो इसके अग्र और मध्य भाग के हॉर्मोन्स थे। नाउ कम टू पोस्टीरियर पार्ट। इसके पोस्टीरियर पार्ट से, पिछले हिस्से से दो ही हॉर्मोन निकलते हैं। एक हॉर्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, दूसरा है वैसोप्रेसिन, प्रेसिन या पिट्रेसिन, पिटोसिन एंड पिट्रेसिन या एडीएच, तीनों नाम एक ही है एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्लियर, एंटी डाई यूरेटिक और यूरेटिक, यूरेटिक का अर्थ होता है जो यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाता है, एंटी डाई यूरेटिक यूरिन वॉल्यूम को रिड्यूस करने वाला। ओके, जैसे एक बड़ा ही कॉमन टैबलेट या इंजेक्शन जानते होइएगा, आदमी का जब पेशाब शाब में दिक्कत आ जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं उसको, ठीक है, यूरिन डिस्चार्ज में प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर उसको लेसेक्स का इंजेक्शन दे देते हैं, लेसेक्स इज यूरेटिक। ओके, ये एंटी डाई यूरेटिक है। इन दोनों के अलग अलग काम हैं। ऑक्सीटोसिन जो है यह इसका उपयोग है ये मिल्क सेक्रीशन, अभी हमने कहा था ना कि सेक्रीशन, अभी हमने कहा था कि मिल्क प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन वो इलेक्ट्रोट्रॉफिक हार्मोन था, और सेक्रीशन जो है ये मेमरी ग्लैंड में संकुचन पैदा करता है जिसके कारण कि मिल्क सेक्रीट होगा, और यह क्रिया ऑक्सीटोसिन के द्वारा संपादित होती है। आप देखते होंगे कि बहुत सभी तो नहीं, कुछ लोग दूध दुहने के जो प्रोफेशनली ये कर रहे हैं, दूध दुहने के पहले गाय को जो इंजेक्शन देते हैं वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा हो सके। और इधर हाल में आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में कि ये कद्दू, वो लौकी, इतनी छोटी लौकी रात में है और सवेरे में इतनी बड़ी लौकी हो गई, तो उसमें बहुत ये गलत प्रयोग है, ऑक्सीटोसिन का ही प्रयोग होता है जिसके कारण ये काफ़ी, ठीक है, तेज़ी से विकास कर देता है हरी सब्जियों का, ठीक है। तो ये गलत प्रयोग है जो हो रहा है, प्रैक्टिसेस के ऊपर हमेशा ये बातें आती रहती हैं। तो मैं केवल कहूँ यहाँ कि बायोलॉजिकली यह मिल्क सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। एडीएच क्या करता है, इस पे आइए। एडीएच जो है एंटी डाइयूरेटिक है, वैसोप्रेसिन, पिट्रेसिन, एडीएच कुछ भी कहिए, यह करता क्या है, तो एंटी डाइयूरेटिक होने का मतलब यूरिन का वॉल्यूम घटाता है। यूरिन का वॉल्यूम घटाने का मतलब क्या हुआ बाबू, यूरिन बनता कहाँ है, पहला सवाल, यूरिन बनता कहाँ है, तो यूरिन तो बनता है किडनी में, यानी कि इस जिसको आप गुर्दा कहते हैं, ठीक है, जिसको आप ये किडनी गुर्दा, ठीक है, ये एक तीसरा नाम और इसका हिंदी में है, ठीक है। तो इस किडनी में जो ये बन रहा है हमारा यूरिन कैसे बनता है, आप इसे ज़रा समझें इस मैकेनिज्म को। किडनी के जो यूनिट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये हिस्सा, ठीक है, जो
ये हिस्सा जो है वोमन कैप्सूल, इस कैप्सूल के भीतर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरी। आर्टरी इससे जो प्रवेश करती है, ठीक है, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। जब ब्लड इससे गुजर रहा है और जब इस पतली नली से गुजरेगा तो प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन से वाटर प्लस उसमें घुले हुए पदार्थ, घुले पदार्थ छन के नीचे आए, ब्लड कार्पसल्स सेल्स जो हैं वे ऊपर रह गए छन्ना पत्र की तरह, तो इसमें जो जमा होकर नीचे आया, ठीक है, उसी से बनेगा वह यूरिन है, जिसमें कि वाटर वेस्टेज जो हमारे यूरिक एसिड वगैरह हैं, यूरिया वगैरह हैं, ये सभी इसमें आए, प्लस इसमें जो घुला हुआ ग्लूकोज है, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, सारा कुछ इसमें जो इसके साथ है वो इसमें आया। यहाँ जब आता है तो इस हिस्से को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये एच टाइप में जो हमने बनाया, ये लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ पे काम करता है एडीएच। एडीएच सेक्रेट कहाँ हुआ? मस्तिष्क में। काम कहाँ किया? किडनी में आकर। और किडनी में इसने एडीएच ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर यह रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किया, यानी कि जितना इसमें यूरिन आया था एक आदमी के शरीर में पर डे, यहाँ फिल्ट्रेशन जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन एक मनुष्य यूरिन जो डिस्चार्ज करता है तो वह 1 से 1.5 लीटर करता है, तो बाकी का जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है इसी दीवार में। तो ये रीएब्जॉर्प्शन जो है उसमें एडीएच का काम है। क्यों? क्योंकि एंटी डाययूरेटिक, इसका नाम हमने कहा है, यह रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है, जिसके कारण कि यूरिन में का वॉल्यूम कंट्रोल्ड होता है। ओके, अब देखिए, अगर किसी आदमी के शरीर में एडीएच का हाइपो या हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच, अब अगर ये कम निकल रहा है तो क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगा तो क्या होगा कि ये जो हमने कहा था लूप ऑफ हेनले से, यहाँ ज़्यादा मात्रा में लिक्विड जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस। यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, ऑब्वियसली यूरिन की मात्रा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बार यूरिनल जाएगा। ओके, यानी कि इंक्रीज्ड यूरिन वॉल्यूम, वह आदमी शुगर का पेशेंट नहीं है, वह आदमी डायबिटीज़, जिसे आप सामान्य तौर पर कहते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब कि शुगर पेशेंट, तो वह शुगर का पेशेंट नहीं है। उसके शरीर में शुगर की मात्रा, ब्लड में शुगर की मात्रा वो जो 110, 120 जो भी आपके हैं वो जो लेवल है वो मेंटेन्ड है, लेकिन उसके बावजूद वह आदमी फ्रिक्वेंटली बाथरूम की ओर जाएगा। यह भी एक प्रकार का डायबिटीज़ ही है, शुगर की बीमारी नहीं है यह, इसे कहते हैं डायबिटीज़ इनसीपीडस। अब आप समझ रहे हैं, यहीं पे मैं बता दूं कि जो शुगर वाली बीमारी है उसे कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस, इसका संबंध जो है वह है आपका किससे? तो आइलेट ऑफ लंगरहंस, आइलेट ऑफ लंगरहंस हमने लिखा था अभी। आइलेट ऑफ लंगरहंस एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या सेक्रेट करता है, क्या सेक्रेट करता है ब्लड में? इंसुलिन। तो ये इंसुलिन जो देता है, इंसुलिन की गड़बड़ी कमी से, या ग्लूकागोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ये 3 हार्मोन हैं जो वहाँ से आते हैं,
तो उनकी गड़बड़ी, उनका इम्बैलेंस अगर होगा तो उस आदमी को डायबिटीज मेलिटस होगा। इसमें क्या होगा कि ब्लड शुगर शुगर बढ़ेगा, ओके, हाइपरग्लाइसेमिया जिसे आप कहते हैं। यहाँ क्या है कि ब्लड शुगर की का कोई लक्षण नहीं है उसे, लेकिन फ्रिक्वेंटली वो यूरिनल के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, क्लियर है? दोनों के डिफरेंस क्लियर हो गए। अब मैं कहूं कि अगर इसका हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा सेक्रेट होने लगे, तो क्लियर है, ज्यादा सेक्रेट हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम विल डिक्रीज। ओके, तो यूरिन वॉल्यूम डिक्रीजेस। आपसे एग्जाम में यह नहीं पूछेगा, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में कह दिया कि ऑलिगोयूरिया किस ग्रंथि से जुड़ी हुई बीमारी है, तो यही है, इसी को कहा जाता है ऑलिगोयूरिया। ओके, ऑलिगोयूरिया का मतलब हुआ कि यूरिन वॉल्यूम का घट जाना। सामान्य तौर पर हम कह देंगे कि किडनी में पेशाब कम बन रहा है, यूरिन कम बन रहा है। ओके, लेकिन ये किसके कारण हुआ था, एडीएच के हाइपर सेक्रेशन के कारण, ये भी एक बीमारी हुई, ठीक है। और अगर हाइपोसेक्रेशन है तो फिर उसे डायबिटीज इंसिपिडस होगा, मेलिटस नहीं। क्लियर? नाउ इस पूरे इंडोक्राइन सिस्टम में इस मास्टर ग्लैंड की जो चर्चा हमने की, उसमें इसके बाद हम लोग दूसरे ग्लैंड पे आएंगे। दूसरे ग्लैंड में चलिए, आइलेट ऑफ लंगरहंस दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इतना ही, क्लियर।